नमस्कार। और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉप फाइव प्लेयर्स के बारे में जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं करते हैं और वो कलकत्ता फुटबॉल लीग में खेले, उसके बाद उनका जो करियर था वो एक अलग लेवल पे चला गया और वो बाद में इंडिया टीम से भी खेले। तो ऐसे टॉप फाइव प्लेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि कलकत्ता फुटबॉल लीग में फर्स्ट टीम में खेलना कितना डिफिकल्ट होता है, कितना एक चैलेंजिंग काम होता है। तो देखिए, वेस्ट बंगाल से जो प्लेयर बिलोंग करते हैं उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा ईजी हो, क्योंकि वो तो वहीं के होते हैं और वो शुरू से उस सिस्टम में ढले हुए होते हैं। लेकिन जो बाहर से वहां जाते हैं उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो ये जो पांच प्लेयर्स है, इन्होंने वो कारनामा करके दिखाया कि वो वेस्ट बंगाल के नहीं थे तो भी वहाँ पर गए और वहाँ से उन्होंने अपना एक सफ़र तय किया और इंडिया टीम तक पहुँचे। तो आइए जानते हैं उन पाँच प्लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहला नाम आता है हमारे लेजेंड भाईचुंग भूटिया सर का, जो कि बिलोंग करते हैं सिक्किम से। और 1992 में जो भास्कर गांगुली थे, इन्होंने भाईचुंग भूटिया का टैलेंट पहचाना था और कोलकाता में फुटबॉल खेलने के लिए एनकरेज किया था। और फाइनली 1992 में इन्होंने ईस्ट बंगाल ज्वाइन किया था और CFL में खेलना चालू किया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाईचुंग भूटिया ने 12 CFL के टाइटल जीते हैं, मतलब ईस्ट बंगाल से भी और मोहन बागान से, दोनों से मिला के। तो 12 टाइटल उन्होंने टोटल जीते हैं। और शुरू में जो CFL में उन्होंने खेला उसी की बदौलत उनका जो करियर था वो एक सही ट्रैक पे गया। तो CFL जो था वो भाईचुंग भूटिया सर की जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था। उसके बाद दूसरा नाम आता है गुरप्रीत संधू का, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं। और 2009 के टाइम पे जब वो अंडर 19 के प्लेयर थे तब उन्होंने ईस्ट बंगाल ज्वाइन किया था। और फिर इन्होंने ईस्ट बंगाल के लिए वहां पे CFL में खेला और बाद में आई लीग के लिए भी खेला था। और इन्होंने भी CFL को 3 बार जीता। तो गुरप्रीत संधू पाजी की लाइफ में भी वो जो एक्सपीरियंस उनको गेन करना था, वो एक मैच टेम्परामेंट गेन करना था, उसमें CFL ने काफी अच्छी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। और आज भी ये इंडियन टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट गोलकीपर है आपको पता ही है। उसके बाद अगले खिलाड़ी है निखिल पुजारी, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों जगह से बिलोंग करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 2016 के टाइम पे ईस्ट बंगाल को ज्वाइन किया था और उससे पहले ये यूथ लेवल के प्लेयर थे मुंबई में ही। तो 2016 और 17 दो सीजन इन्होंने ईस्ट बंगाल के लिए खेले थे और एक हैरानी की बात यह रही कि दोनों सीजन में इन्होंने CFL जीता। और 2016 में जो ईस्ट बंगाल इन्होंने ज्वाइन किया था, ये इनका पहला प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट भी था। तो बहुत ही शानदार इनका करियर स्टार्ट हुआ CFL से। और फिर इन्होंने इंडिया टीम से भी खेला और अभी भी ISL में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे ही रहे हैं। उसके बाद चौथे खिलाड़ी आते हैं रेनियर फर्नांडेज, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और 2016 में इन्होंने मोहन बागान साइन किया था और इन्होंने दो सीजन CFL में खेले और आई लीग में भी खेला था, लेकिन ये CFL जीत नहीं पाया। लेकिन फिर भी इनका जो सीनियर करियर था उसमें CFL का एक इम्पोर्टेंट रोल हमेशा रहेगा। और फिर बाद में इन्होंने इंडियन टीम भी ज्वाइन करी और अभी भी ISL में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपना दे रहे हैं। उसके बाद आखिरी एंड पांचवें खिलाड़ी आते हैं VP सुहैर, जो कि केरला से बिलोंग करते हैं। और 2015 के टाइम में इन्होंने यूथ टीम ज्वाइन करी थी यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब की और फिर उसी के बाद उनकी सीनियर टीम से इन्होंने CFL खेला था 2016 में। और एक बहुत अच्छी बात कि 2016 का जो CFL का सीजन था उसमें इन्होंने 5 गोल मारे थे और जो परफॉर्मेंस दिया था उसकी बदौलत इनको आई लीग क्लब से ऑफर आया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि CFL खेलने के बाद VP सुहैर को बहुत अच्छे ऑफर्स मिले थे आई लीग क्लब से और इनका करियर जो था वो बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा। और बाद में इन्होंने फिर से ईस्ट बंगाल को ज्वाइन किया था, तब इन्होंने एक जो CFL टाइटल है वो अपने नाम किया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं VP सुहैर आज इंडियन टीम के भी खिलाड़ी हैं। तो कैसे CFL से उनकी जर्नी शुरू हुई थी और इंडिया टीम तक पहुंचे और आज ISL में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो यही वो पांच प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने सीनियर करियर की शुरुआत CFL से करी और बाद में इंडिया टीम तक पहुंचे। अभी देखिए, इसमें आप कई नाम और भी ले सकते कि वो भी तो CFL में खेले थे, जैसे जॉबी जस्टिन हो गया, विद्यासागर सिंह भाई हो गए, ऐसे कई नाम आप ले सकते हैं। लेकिन देखिए, विद्यासागर भाई अभी इंडियन टीम तक नहीं पहुंचे इसलिए मैंने उनका नाम इसमें शामिल नहीं किया। और जॉबी जस्टिन भाई देखिए, मतलब कि CFL ज्वाइन करने से पहले ही वो केरल फुटबॉल में काफ़ी बड़ा नाम थे, वहाँ पे बहुत अच्छे प्लेयर थे। उसके बाद उनका इतना बड़ा नाम और परफॉर्मेंस देखने के बाद उनको जो ईस्ट बंगाल ने साइन किया था स्काउटिंग के द्वारा, तो इसलिए मैंने उनका नाम इसमें नहीं लिया। बाकी बोल सकते हैं कि जॉबी जस्टिन को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता था और ऐसे कई प्लेयर्स हैं जिनको इंक्लूड किया जा सकता था, लेकिन देखिए वो पहले ही अदर आई लीग में या अदर लीग्स में अपना नाम बना चुके थे। लेकिन ये जो टॉप फाइव प्लेयर्स है, ये इनका बिल्कुल शुरुआत जो बोलेंगे वो ही CFL से शुरू हुई थी, तो इसलिए मैंने इन टॉप पाँच प्लेयर्स का नाम लिया। तो इससे आप देखिए कि CFL मतलब कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी फुटबॉलर के करियर में अगर वो बहुत ऊंचे लेवल तक जाना चाहता है। क्योंकि आपको पता है कि CFL इंडिया की बेस्ट स्टेट लीग है, तो बिल्कुल अगर आप अदर स्टेट के प्लेयर हैं या आप बंगाल से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आपको अगर CFL में खेलने का मौका मिले तो आप बिल्कुल उसमें जाइए। और आप देख सकते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं कि अदर स्टेट के प्लेयर्स भी वहाँ जाकर अपना नाम बना सकते हैं और अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हैं।
तो बस मैं यही आपको बताना चाहता था। तो आई होप कि आपको एक जानकारी मिली होगी, और आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा जो भी आप इन 5 प्लेयर्स के बारे में कर सकते हैं, या अगर आपकी जो भी ओपिनियंस हो या नॉलेज आपका शेयर करना चाहें CFL से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी तरह आप CFL को भी सपोर्ट करते रहिए, CFL को देखिएगा जरूर, और इंडियन फुटबॉल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।